देहरादून में छठ महापर्व को लेकर बिहारी महासभा द्वारा घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई है। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। बिहार महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह बिहार ने बताया कि छठ का कार्यक्रम तीन जगह पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा को बहुत ही पवित्र त्यौहार माना गया है और यह त्यौहार सूर्य देव और षष्ठी माता को समर्पित माना गया है। उन्होंने कहा कि छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। उत्तर भारत और बिहार में छठ पूजा का उत्साह अधिक देखने को मिलता है और नहाए खाए से छठ पूजा पर्व की शुरुआत मानी जाती है। देहरादून से अविनाश गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोगों ने मांग रखा है, हमारी कमेटी के लोग, हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी से तो मुलाकात नहीं हुई थी, उनके जो एसडी थे उनको हम लोग दे करके आए थे, सचिव को दे के आए थे कि छठ के अवकाश दिया जाए, इसलिए कि जो 36 घंटे का व्रत है इसमें बहुत सारे यहाँ देहरादून में रह रहे हैं जो बिहार के, यूपी के, झारखंड के लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको दूसरे दिन छुट्टी ना होने के बाद आप सोचिए कि 36 घंटे का जो आदमी व्रत रखे हो और तुरंत से उसको ड्यूटी पर जाना हो तो एक कष्टकारी बात हो जाता है। तो हम लोगों ने रखा है, पिछले सरकारें भी करती आई हैं जो छठ में छुट्टी का, इस बार भी मुख्यमंत्री जी से हमने मांग रखा है कि आप छुट्टी कर दें तो व्रतियों के लिए बड़ा आसान हो जाए।